मेरे पास रीजन है कि मार्केट यहां से 400, 500 पॉइंट में भी इससे भी ज्यादा फॉल कर सकती है आपके पास में अपसाइड के जाने के रीजन हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं अगर आपको समझ आता है तो लाइक कर देना और कमेंट में सिर्फ यही बताना कि रीजन आप बुलिश हो अभी तक के एनालिसिस आपको अगर अच्छे लगते हैं तो शायद आपके ये भी काम आए दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं है कि मार्केट 22,600 चला जाएगा या फिर 21,000 चला जाएगा रियलिटी ऑफ मार्केट आपको क्या बता रही है कि आपका डायरेक्शन क्या रहना चाहिए यह मेरा पर्सनल व्यू है इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई आपको बोले कि मार्केट बुलिश है अप साइड में बाईस चली जाएगी या दो चली जाएगी या चार चली जाएगी तो मेरे को रीजन समझ नहीं आता है क्योंकि जहां पे क्लोज दिया है निफ्टी ने वहां से किस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि मार्केट आपके लिए बुलिश है ये आपके पास में डे का चार्ट है और ये मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर है फ्रॉम लास्ट एट टेन डेज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अप साइड को ब्रेक किया आज और क्लोज कर दिया ट्वेंटी टू थाउजेंडी और फोर्टी के आसपास आई है के के बाद में इस था था आपके लिए के around low लगाया मार्केट ने अब ब्रेक यहां भी किया था तो इसके नीचे मार्केट को सोल्व कर जाना चाहिए था कंटिन्यू नहीं किया बिल्कुल एज पे थी आप इस सपोर्ट से ब्रेक करने के बाद में जो ट्वेंटी एट की थी इसको ब्रेक करने के बाद में आप सेल करते मार्केट ने क्या किया वन साइड रिवर्सल दे दिया और दूसरी एज पे जाके क्लोज दे दिया इसी वीक में विद इन थ्री डेज तो आप यहां पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अपसाइड का मूव दे सकते हैं हमारे पास वैलिड रीजन है कि हम सेल साइड के लिए सोच रहे हैं कि ये ब्रेक किया हुआ है अब हम ये मैं गलत हो सकता हूं आपको कोई एडवाइस नहीं है कॉल टिप की ये मेरा एनालिसिस का तरीका है मेरे को लगता है और हमेशा आज तक की जब भी मैं आपको बोलता हिस्ट्री रिपीट होती है जितनी बार मार्केट आपको आपको लगेगा कि बुलिश है मार्केट फॉल होगी आगे इसके ऊपर बात करेंगे जब मैं आपके साथ में एफ का डाटा डिटेल में डिस्कस करूंगा अब आपके लिए मार्केट का मेरे को दिखता है कि एटलीस्ट मार्केट को लो लगाना चाहिए इस एरिया के आसपास का यहां पे क्योंकि थ्री टाइम लोअर लो लगाए बैक टू बैक और अप साइड को रिवर्सल दे दिया तो जितने सेलर्स थे पहले उनको ट्रैप किया और अप साइड में बिल्कुल एज पे ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवेंटी वन का आज हाई लगाया और क्लोज किया बिल्कुल बॉक्स के अंदर अब अप साइड के लिए जब ये डाउन साइड को ब्रेक करके अब नहीं गया फॉल नहीं किया तो अब यहां से कैसे अज्यूम कर सकते हो कि यह अपसाइड के लिए जाएगा अब आप बोलोगे कि मैं कैसे अज्यूम कर रहा हूं कि ये डाउन साइड के लिए आएगा और ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड का लेवल आ सकता है कंप्लीट चार्ट पे अच्छे से समझते हैं बहुत सेफ है अपसाइड के लिए बोलना कि बाईस हजार तीन चार सौ मार्केट चली जाएगी क्योंकि मार्केट आपको दिखाई ही रही है लास्ट वीक आपको क्या दिखाया मार्केट ने कि मार्केट डाउन साइड में बेरिश है और फॉल होने वाली है एक्सट्रीम हमने कहा था कि 22,150 तक मार्केट इस वीक जा सकती है जहां तक नहीं गई मार्केट वो बाईस के आसपास रह गई अगर मार्केट 21,548 के लेवल को ब्रेक करके फिर वहां से रिवर्सल दे सकती है तो ये आपके कॉल बायर्स के लिए ट्रैप है क्लियर कट ये मार्केट दिखा रही है आप लोग बोलोगे बुलिश है मार्केट अपसाइड के लिए जाएगी मेरे को बताओ कहां पे है ये डाटा मेरा नहीं है ये ऑप्शन का डाटा है 24 जनवरी से लेके अभी तक का मेरे को रीजन दो 77000 करोड़ की सेलिंग आई है फिफ्टीन फैब को सिक्सटीन को आई 5000 करोड़ की फोर्टीन को आई 40000 करोड़ की और मेरे को बाइंग दिखा दो यहां पे कहां पे आई है ये 24 जनवरी का डाटा इसके ऊपर आप देखो इसके यहां से आपको क्या दिख रहा है ट्वेंटी बाईस हजार करोड़ की, सेलिंग, की ,000, ,000, ,000, ,000. मार्केट में सेलर्स हावी हैं सिर्फ और सिर्फ रिटेलर को फसाने के लिए मार्केट ने अग्रेसिव मूव दिया और मार्केट का रूल क्या है कि जब तक आप रिटेलर को या हमें मैं भी रिटेलर ही हूं हमें लगेगा कि मार्केट बेरिश है मार्केट अगेंस्ट ट्रेंड देगी गैप डाउन खोला 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी का अभी एक्सपायरी वाले दिन और क्लोज कहाँ पे किया 46,000 के आसपास सबको बेरिश लग रही थी नहीं दिया मूव ये सेलर्स हावी हैं इनको पीट के अगर मार्केट ऊपर चली जाएगी कोई दिक्कत नहीं है बट एटलीस्ट आप उस जॉनर में रहो जहाँ पे आपके लिए मार्केट क्लियर कट सिग्नल दे रही है कि यहां जा सकती है आपके बेनिंग के चांसेस हाई हैं। आप बोलोगे 22,000 के ऊपर मार्केट क्लोज कर दिया बहुत स्ट्रांग है कहा सेलर्स के कंट्रोल में है अगर आप वीकली कैंडल भी देखोगे नहीं है स्ट्रांग ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं यहां पे कहां पे है स्ट्रॉन्ग मेरे को नहीं दिख रही है क्लियर कट डाउन साइड के लिए है मंथली व्यू नेगेटिव है नेक्स्ट वीक आपको सारी यूट्यूब मिल जाएगी जो नेगेटिव होगी बाईस हजार चार सौ इक्कीस हजार चली जाएगी मार्केट मैं आपको आज बोल रहा हूं बायर्स को ट्रैप किया गया है एज पर माय नॉलेज जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मार्केट को फॉल होना है एग्रेसिव फॉल होगी नाइन्टी नाइन परसेंट चांसेस है कि गैप अप भी नहीं होगी ओपन ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होगी पूरे वीकेंड पे आपका व्यू पूरा पॉजिटिव बना चुके होगे और आप अपसाइड के लिए फंस जाओगे मार्केट एग्रेसिव फॉल करेगी ये मेरे को लगता है मार्केट ने क्या किया गैप अप ओपन हुई बिल्कुल 100 प्लस पॉइंट टू जो उसका हाई था फेब का उसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं हो पाई सेलर्स हावी हैं ट्रैप करने के लिए काफी अच्छी है कैंडल कोई डिसीजन नहीं है अभी प्रो का डाटा अगर आप देखो सेंसिबुल पे भी अगर आप डाटा चेक करोगे इनडिसाइसिव डाटा है किसी का कोई व्यू नहीं है बट एफ की जो सेलिंग है उसका इंपैक्ट आएगा आना चाहिए ये सेलर्स अगर ट्रैप होंगे तो मैं ट्रैप होना सही समझूंगा अपने लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस मिल जाएंगे कि मार्केट का ये रीजन था इसलिए फॉल हो गई इस वीक का तो हमारा व्यू पॉजिटिव था क्योंकि मार्केट दिखा रही थी ट्रैप करने के लिए आना था बट अब नेक्स्ट वीक के लिए नहीं है व्यू पॉजिटिव तो मैं कैसे कह दू क्लोज दिया हुआ है वो सीधा क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि सेलर्स के कंट्रोल में है ऊपर सेलर हावी है मार्केट नहीं टिक पा रही है आपको एग्रेसिव फॉल दिखाएगी बैंक निफ्टी का चार्ट देख लो मार्केट की कैंडल देख लो क्या क्लोज दिया बिल्कुल नेगेटिव क्लोज दिया आपके लिए इसको पॉजिटिव साइन बोलोगे आप 46,696 का आग, बिल्कुल हाई लगाया सस्टेन नहीं हुई नीचे आके क्लोज दे दिया अब आपके लिए किस बेसिस पे मैं बोलूं कि अपसाइड के लिए फोर्टी सेवन थाउजेंड फोर्टी एट थाउजेंड जाएगी बिल्कुल चली जाए अगेंस्ट हो सकती है रीजन चाहे फार्मर प्रोटेस्ट बने चाहे दाउजोन बने एफ हमारे से ज्यादा समझदार हैं जिन्होंने सेल कर रखा है हम लोगों को उनसे आगे नहीं चलना चाहिए आपको एग्रेसिव बाइंग तब करनी चाहिए अगर मार्केट क्लोज दे देती है अपसाइड में एटलीस्ट ट्वेंटी टू थाउजेंड वन थर्टी के अब मार्केट क्लोज कर दे तब आप अपसाइड के लिए थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड पॉइंट तक का अपसाइड मूव देख सकते हो मे भी उससे भी ज़्यादा बट अभी फिलहाल इस कैंडल के बेसिस पे अगर आप कल सुबह मंडे को यानी कि उठ के कॉल बाई कर लो तो आपके फंसने के चांसेस हैं जब ये लेवल ब्रेक करेगा तब आप पुट साइड के लिए सोचना बंद कर देंगे उसके बाद में अप साइड में रैली बन सकती है करने के लिए पचास साठ सत्तर अस्सी पॉइंट अपसाइड के लिए ओपन हो भी गई या मार्केट ने मूव दिखा भी दिया सिर्फ और सिर्फ आप सब सेलर्स को एग्जिट करवाने के लिए यह काम कर सकती है मार्केट कोई बड़ी बात नहीं है बट डेली बेसिस अगर इसके ऊपर क्लोज देती है तब फिर डाउनसाइड का सोचना गलत हो जाएगा और अपसाइड के मूव में राइड करना मिड कैप आपके लिए क्या बोल रहा है मिड कैप में मेरा व्यू लास्ट वीक भी आपको पता होगा और आज भी आपके साथ में वीडियो शेयर किया था क्लियर कट कहा था कि अगर मार्केट आज 10,946 के अब टाइम स्पेंड करेगी तभी हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं 11,000 तक मार्केट ने बिल्कुल मूव दिया लास्ट मोमेंट पे बढ़िया कैंडल बना के नीचे क्लोज कर दिया अब इसकी एक्सपायरी है मंडे को मार्केट टेन थाउजेंड नाइन फोर्टी सिक्स के पास ओपन होती है या ऑलमोस्ट फ्लैट होनी चाहिए बिग गैप अप का कोई स्नैरियो नहीं है मार्केट में क्योंकि फिर फसेंगे कैसे मुर्गे अगर गैप अप दे दिया मार्केट ने अभी क्लोज किया है ट्वेंटी टू थाउजेंड थर्टी सिक्स के आसपास, और मेरा व्यू है कि फैब मंथ में एटलीस्ट मार्केट को लो लगना चाहिए ये वाला लेवल ट्वेंटी 484 के अराउंड और मे बी इससे भी थोड़ा सा नीचे सी और संडे को लाइव सेशन कर लेंगे उसमें ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हो वो डिस्कस कर लेंगे मंडे के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए तो गाइज लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मेरे पास गिरने के रीजन है आपके पास में बुलिश होने के रीजन क्या क्या हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय